एशियन मार्केट्स में गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिला है। अगर आप स्टेट टाइम्स को छोड़ दें, बाकी सभी बाजारों में गिरावट है और ऐसे एसएक्स निफ्टी भी कमजोरी के संकेत दे रहा है और डेवलप मार्केट से भी संकेत अच्छे नहीं है। जैसे वीरेन बता रहे थे, ऊपरी सरों से यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, 0.25% तक गिर के बंद हुए। डाउ में इनफैक्ट 200 पॉइंट से ज्यादा की जो गिरावट है वो देखने को मिली और रिटेल शेयर ये सबसे ज्यादा गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि डिज्नी और मैकी ऐसी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आए थे, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। 2-30% तक की कमजोरी लेकर रिटेल शेयरों में हमने देखा कामकाज होते हुए दिखा। वॉलमार्ट, होम डिपो के साथ साथ नाइकी ये कुछ ऐसी कंपनी थी जिनमें बड़ी गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। एक ही राहत की बात थी, जैसे आप कह रहे थे कि क्रूड में एक तेजी देखने को मिली है। डॉलर अगर आप देखिए 6 दिन से लगातार मजबूत हो रहा था, कल कमजोरी देखने को मिली 0.5% के आसपास की, जिसकी वजह से कमोडिटीज में तेजी थी। चाहे मेटल की बात कीजिए, चाहे कच्चे तेल की बात कीजिए जो कि 2016 की ऊंचाई पर बंद हो, जिसकी वजह से एनर्जी शेयर थोड़ा सा राहत दिखा रहे थे, जिसकी वजह से शुरुआती कारोबार में तेजी थी। लेकिन ओवरऑल ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट देखने को मिली और 0.25% तक की कमजोरी लेकर यूएस के मार्केट्स बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार था, कुछ मिले जुले रिजल्ट थे और साथ ही साथ बैंकिंग शेयरों में काफी ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से वहां एक मिलाजुला ट्रेड देखने को मिला, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रेशर वहां भी देखने को मिलेगा। एक ही राहत की बात थी कि जिस तरह से मेटल प्राइसेस तेज हुए हैं, कुछ जो मेटल माइनिंग शेयर हैं उनमें तेजी का रुझान था, 2-5% तक की तेजी वहां देखने को मिली और कच्चे तेल का एक ट्रेड था, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस भी पार्टिसिपेट करते, लेकिन ओवरऑल ऊपरी स्तरों से हल्के होकर बंद हुए। जैसे मैंने कहा, एशियन मार्केट्स में ज्यादातर अगर आप देखिए गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला और कल की गिरावट के बाद एसएक्स निफ्टी फिर से माइल्ड नेगेटिव संकेत आज के लिए दे रहा है।